के विश्वनाथ ने साल 1979 में मूवी सरगम से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, जया प्रदा, शशिकला, धीरज कुमार, श्री राम लागू और लीला मिश्रा शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1982 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई कामचोर। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश रोशन, जया प्रदा, सुरेश ओबेराय और श्री राम लागू शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1983 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई शुभकामना। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश रोशन, विनोद मेहरा, रति अग्निहोत्री, असरानी और उत्पल दास शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1984 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई जाग उठा इंसान। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, श्री देवी, राकेश रोशन, सुजीत कुमार और देवेन वर्मा शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1985 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई संजोग। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जया प्रदा, विनोद मेहरा और अरुणा ईरानी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,65,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7,50,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1985 में ही एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई सुर संगम। इस मूवी के लीड कास्ट में गिरीश कर्नाड, जया प्रदा, सचिन पिलगांवकर, देवेन वर्मा और दीना पाठक शामिल थे। ये एक कॉमेडी म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1989 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई ईश्वर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, विजया शांति, सईद जाफरी, आशा सचदेव और सदाशिव अमरापुरकर शामिल थे। ये एक म्यूजिकल फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1992 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई संगीत। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,05,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,85,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1993 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई धनवान। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, मनीषा कोइराला, करिश्मा कपूर, अविनाश वधावन, दिलीप ताहिल और अरुणा ईरानी शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,38,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,61,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1996 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई औरत औरत औरत। इस मूवी के लीड कास्ट में रेखा, राकेश रोशन, सदाशिव अमरापुरकर, विनोद मेहरा और श्रीराम लागू शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 60,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 19,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 32,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको के विश्वनाथ की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। के विश्वनाथ की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।